हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं एमएससी के बारे में, मतलब मास्टर्स इन साइंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो भी आप में से फ्यूचर में मास्टर डिग्री करने का प्लान बना रहे हो या फिर अभी मास्टर डिग्री करने का प्लान बना रहे हो, स्पेसिफिकली साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके मतलब का हो सकता है। इस कोर्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो लेट्स गो डिस्कस करते हैं। सो देखो, मास्टर्स इन साइंस या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस बोल सकते हो एमएससी शॉर्ट में, ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, हर साल आपके 2 सेमेस्टर होंगे, टोटल आपके 4 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, जो भी बच्चे बीएससी कर चुके हैं, जस्ट एमएससी से पहले बीएससी कर चुके हैं, उन्हें पता होगा कि उन्होंने बीएससी के टाइम पे भी कई सारी स्पेशलाइजेशन मिली होंगी, उसमें से कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करी होगी। यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग। ठीक है, ये सारी तरह की आपके पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, तो इसमें से जौन सा चाहे वो चूज़ कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे पढ़ने को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब्स मिलेंगी। फिलहाल बात करते हैं जीबीडी की, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी साइंस बैकग्राउंड में हो तो ज़्यादा बेहतर है। बीएससी वालों को पहले से पता है कि भाई ये बिल्कुल आपके लिए ही कोर्स बना हुआ है टोटली। ठीक है, 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, बाकी कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए आपकी इंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं और मेरिट लिस्ट बेस पे भी एडमिशन हो सकता है, तो आपको पहले चूज़ करना होगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम कौन सा है। ठीक है, जॉब्स की बात करें तो देखिए आपकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे जॉब होती है, उस टाइप की जॉब मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर रखा है किस टाइप के आपको जॉब्स या पोजीशन मिल सकती हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, लैब मैनेजर, फार्मा एसोसिएट, रेगुलेटरी या फिर स्पेशलिस्ट, पेटेंट एसोसिएट। ठीक है, ऐसी कई तरह की आपको जॉब्स मिल सकती हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, तो देखो आप सब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, किस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन के ही सब्जेक्ट मेंशन करे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, लेकिन आपकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस भी है, फूड टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो आपको देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर सब्जेक्ट दे रहे हैं। देखो, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, ऐसे ही क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ऐसे साइंस रिलेटेड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, आप देख लेना आपकी स्पेशलाइन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इनकम की, भाई पढ़ाई वढ़ाई तो होगी, अब इनकम कितना मिल सकता है। देखो, आपकी मिनिमम 4 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है, बाकी मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी अच्छी आपकी नॉलेज है, ठीक है, क्या क्या आपके पास आइडियाज़ हैं। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम लगभग इसके आसपास आपकी रह सकती है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गाइस, आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस कोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।